कैसी लग रही मैं? बताओ। साल हटा दो नानी। चलो अच्छा, चलो अब नानी ब्यूटीफुल लग रही है। बताओ कैसी लग रही है? सब नीचे रखने लग रही हो। अब तो शादी जो हो गई हो, अब तुम्हारी शादी करा देंगे। सुन लीजिए, और ये मेरी मम्मी, मम्मी से ली है मेरी। कैसी लग रही है मेरी मम्मी? ब्यूटीफुल लग रही है एकदम। साड़ी बहुत सुंदर लग रही है। मेरी भी साड़ी नहीं खरीदी है, लेकिन ये साड़ी भी मम्मी ने ही खरीदा है। मम्मी को कैसे लग रहा है? देखिए, अनमैचिंग चूड़ी थी लेकिन मैंने पहन लिया। अब कहाँ बाबू आ रहे हैं? ये है स्टेज जहाँ पे बच्चे ऑलरेडी अपना सीट ले चुके हैं, और बच्चों ने तो बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया था। आगे मैं डेकोरेशन दिखाऊंगी आप सभी को, और सच में विलेज के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ था। मतलब मैं पता नहीं कितने सालों बाद विलेज की शादी देख रही हूँ, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था। काफ़ी अच्छे से अरेंजमेंट हुआ था। डेकोरेशन जो है आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ था। तो मैं आप सभी को सारा डेकोरेशन दिखाती हूँ जो कि रिकॉर्ड किया है मेरे भाई ने, और ये क्लिप मैंने पहले ही लगा दिया है, बाद में रिकॉर्ड किया था उसने थोड़ी देर बाद, ताकि आप सभी पहले डेकोरेशन देख सकें। और वीडियो में बने रहिएगा, आप सभी को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और हाँ, आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन आप सभी को बहुत मज़ा आएगा, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। आज तो आ ही सकते हो ना तुम लोग? अच्छा रुको, मम्मी क्या करना? ये है मेरे भाई लोग, शक्ति प्राणा, दोनों बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। और एक मेरा ये भाई बहुत स्मार्ट लगता है। थोड़े से बाहर डेकोरेशन ले लो बाबू, ले लो प्लीज। देखो देखने वाले तुमको दुआएं देंगे। ले रहा ले रहा। ये मेरी सबसे छोटी वाली सिस्टर, मेरा भी ले लेना इसी तरीके से। ये मेरे बाद वाली सिस्टर है, सेकंड नंबर वाली, जिसकी शादी लखनऊ में हुई है और जिसका बेटा विहान है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि मेरी कोई भी तैयारी नहीं है, लेकिन जब मैं एक बार घर आई थी पिछले साल में भी, तो मेरी मम्मी ने मेरे लिए दो साड़ियाँ ली थी, एक रेड कलर की और एक ये वाली। तो ये वाली मैंने अभी तक नहीं पहनी थी, रेड वाली मैं पहन चुकी थी, तो थैंक गॉड कि मैंने इसको पहना नहीं था और यही साड़ी मैंने पहनी हुई है। और मैं आगे अभी आप सभी को पूरा अपना लुक भी अच्छे से दिखा दूंगी, और साथ ही साथ अपनी बहनों को भी दिखा देती हूँ मैं आप सभी को। और यहाँ पे देखिए, वाशु को मिल गया विहान। विहान मेरी सिस्टर का बेटा है, जिसके साथ ये मस्ती कर रहा है। कभी बारात नहीं आई। ये मेरी बड़ी वाली बस, छोटी वाली उधर। ये
अच्छी लग रही है ना, बताइए। ऐसे भी मेरे घर में सारी लड़कियाँ ही अच्छी, अभी एक लड़की है। मैं डांस कर रहा था, डांस कर करके थक गए हैं। इधर देखो, हंसो, इन सब को हंसाने के चक्कर में हम चिल्ला रहे हैं। ये मेरी छोटी वाली मौसी की लड़की है जिसका नाम है सिया। आप सभी इससे तो मिल ही चुके हैं। बारात आ चुकी है और अभी हो रहा है द्वार पूजा, और ये हैं दूल्हे राजा, आप देख सकते हैं। और मैंने कहा दूल्हे को आप सभी देख लीजिए, और आगे मैं जयमाल आप सभी को दिखाऊंगी, तो आप सभी एंजॉय कीजिए।
हैं मेरी बड़ी वाली मौसी और मेरे मौसा। ये जो डेकोरेशन लगी हुई थी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसके सामने कुछ वीडियोस भी बना लिए ताकि मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकूं। हमने एकदम लास्ट में डांस किया था जब सारे लोग चले गए थे सोने, जो सारे बाराती थे सोने चले गए थे और उधर पे शादी भी स्टार्ट हो गई थी तब हमने किया था डांस। Thank you.
गर्मी भी हो गई, बहुत डांस कर लिया हम लोगों ने। नंबर में हमारे बहन गोरखपुर से मान के दिन भर राहुल भाषण देखे हम जानी ने तो हमको देखा बहुत पसंद उनके लागल। अच्छा ठीक है, तो आप सब भी आएंगे, आप सब भी देखो फोटो खिंचवा दे निकी, फोटो ले लेना। ये राहू वाला बढ़िया बाराती कहाँ कौन से साइड से है भैया? वाला ले वाशु किस साइड से हो बाबू? एक दीदी को दूल्हा की दुल्हन दूल्हे के तरफ से हो क्या? चेहरा इतना रखल बा लग रहा, सबसे ज्यादा मेहनत वाशु ने की, आवाज बैठ गया। बाबू टंटूपिया दीदी दे दो फोटो खिंचवा। वाशु इधर देखो दीदी करवा। इसके बाद मैं वीडियो का एंड नहीं कर पाई तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ अब वीडियो को एंड। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, आप सभी ने बहुत इन्जॉय किया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपना ध्यान